आज जो आप पढ़ेंगे क्लास 7 का अध्याय 3 उष्मा ही है ना, उसमें आपका उष्मा का स्थानांतरण हम लोग पढ़ रहे थे है ना, भाग 4 हो गया था ना, 4 अंक से उष्मा का स्थानांतरण हम लोग पढ़ लिए थे, संवहन विधि से पढ़ लिए थे, अब एक और तो बच गया है आपको विक्रम विधि है ना, विक्रम विधि से उष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है उसको हमको जानना है ना, रेडिएशन जो कहते हैं ना है कि विक्रम विधि से उष्मा का संचरण कैसे होता है ना, कैसे जो उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता उसके बारे में हमको समझना है ना। अब देखिए कि आप पढ़े थे उष्मा जो है गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की ओर ले जाता है, गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की ओर। अब इसको जब हमको पढ़ना है विग्रह तो बताइए आप लोग जाड़ा के दिन समझते हैं ना, सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम। अच्छा बताइएगा आपको गर्मी के मौसम में आप धूप में बैठना पसंद करते हैं कि छाया में बैठना पसंद करते हैं? छाया में। अच्छा जाड़े के मौसम में आप लोग धूप में बैठना पसंद करते हैं कि छाया? धूप में। अरे सर्दी के मौसम है, जाड़े के मौसम में आप धूप में बैठना पसंद करते हैं, गर्मी के दिन में छाया। अच्छा बताइए गर्मी के दिन में ऊनी कपड़ा पहनते हैं कि सूती कपड़ा? सूती कपड़ा। गर्मी जाड़ा में ऊनी कपड़ा पहनते हैं कि सूती कपड़ा पहनते हैं? उन्हीं कपड़ा क्यों पहनते हैं? एक खड़ा हो गई जाड़ा में उन्हीं के कपड़ा पहनना क्यों पसंद करते हैं? तो बताइए। हाँ मैंने उन्हीं के कपड़ा पहनता है ना तो ठंड कम रहता है ना, इसीलिए जाड़ा में उन्हीं के कपड़ा पहनते हैं ना। ठीक है बैठो, कुछ तो समझ रहे हैं कि हमको पढ़ना है विक्रम विधि। आप देखे थे ठोस में द्रव में उष्मा कैसे जाता, ठोस वस्तु में उष्मा जाता था चालन विधि से है ना, उसमें क्या होता था एक माध्यम होता था, रड को हम लोग रखते थे इसे आग पर है ना, तब वहां से गर्म होकर धीरे धीरे यहाँ तक आ गया था अंतिम छोर पर है ना। फिर पानी को हम गर्म जब कर रहे थे तो नीचे वाला पानी जब गर्म हो रहा था ऊपर के पानी गर्म होता था नीचे जाता था संवहन है ना, संवहन विधि से होता है द्रव का है। अब देखिए कि विक्रम विधि को समझने के लिए इसके लिए भी हम एक प्रयोग करें कि कैसे विक्रम विधि से आपका उष्मा का संचरण होगा। विक्रम विधि में उष्मा का जो संचरण होता है बिना माध्यम का, कोई माध्यम नहीं होता, माध्यम समझते हैं ना, जैसे हम जाते हैं तो गाड़ी पर चढ़ के जाते हैं जी, साइकिल से जाते हैं, लेकिन उसमें कोई माध्यम नहीं होता है ना, बिना माध्यम का उसका उष्मा एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है ना। आप लोग पढ़िएगा छठा क्लास का भूगोल में भी पढ़े हो है ना, पृथ्वी है ना, पृथ्वी पढ़े हैं, पृथ्वी छठा क्लास में पढ़ना था पृथ्वी के बारे में है ना, तो पृथ्वी पर जो पढ़ना था उसमें वायुमंडल है, हवा है पृथ्वी पर, और उसका कई परत है, भी पढ़े हैं भूगोल में है, सौरमंडल संताप से पढ़े हैं। तो ऊपर तक जाइएगा पृथ्वी से ऊपर लगभग 1000 किलोमीटर ऊपर जाइएगा ना, ऊपर तक क्या हवा, ऊपर तक हवा, उसके बाद हवा नहीं कुछ नहीं, पृथ्वी है ना, पृथ्वी है ना, हम लोग
पृथ्वी पर है ना? यस सर। चांद पर? पृथ्वी पर। कहाँ है? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर है। पृथ्वी से ऊपर जाइएगा ना, आकाश की ओर है ना, तो 1000 किलोमीटर लगभग ऊपर जाइएगा, वहां तक हवा हुआ है, उसके बाद हवा नहीं। अब देखिए तो हवा को 1000 किलोमीटर तक है, और सूर्य कितना दूर है पृथ्वी से? बहुत दूर है ना। उसका रोशनी, उसका उष्मा कैसे आता? यह पृथ्वी पर आता है ना, सूरज का रोशनी पृथ्वी पर आता है जी, है तो बिना माध्यम के नहीं आया, वहां से कोई माध्यम नहीं निकला हुआ है, ऐसे चला है। तो उसी तरह जो सूर्य का रोशनी मान लीजिए यहाँ आया है ना, वो कौन विधि से आया? विक्रम विधि से। कौन विधि से आया? विक्रम विधि से। सूर्य का रोशनी पृथ्वी पर कौन विधि से आया? विक्रम विधि से। कौन विधि से आया? विक्रम विधि से। पूछेगा आपसे सूर्य का रोशनी पृथ्वी पर कौन विधि से आया? विक्रम विधि से। इसलिए उस पर कोई माध्यम नहीं है, बिना माध्यम क्या? बिना माध्यम के ना किया। जब पानी गर्म हो रहा था तो इसको में जब उसमें पहले उसको माध्यम था ना, उसमें पहले इसको मिलता था सस्पेंड को, तब उसमें सस्पेंड दे रहा था पानी को ना, उसमें ऐसी बात नहीं। तो आपका बिना माध्यम का है ना उसमें पृथ्वी का काम है, मतलब विकरण क्रिया पूछेगा क्या है, तो विकरण क्रिया में आप कहिएगा विकरण वैसी एक क्रिया है उष्मा का स्थानांतरण का, जिसमें बिना माध्यम के उष्मा एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है ना, बिना माध्यम का है ना, चालन विधि में माध्यम लगता था, इसमें माध्यम नहीं है ना। और जितना ठोस द्रव गैस तीनों में जो उष्मा आपको लगता है, वो तीनों ठोस द्रव गैस में जो उष्मा छोड़ता है ना, जैसे आप पानी को गर्म कर दिए, पानी को गर्म कर दिए, पानी को गर्म हो गया, अब इसका उष्मा कैसे निकलता? विक्रम विधि के माध्यम से उष्मा क्या हो जाता? खत्म हो जाता है ना। आपको मुख्य बिंदु क्या है विक्रम में? विकरण में उष्मा का स्थानांतरण द्रव से ठंडी वस्तु को विकरण विधि में, ऐसे तो सभी में होता है, विकरण विधि में उष्मा जो मुख्य बात है गर्म वस्तु से किधर होता है? ठंडी वस्तु को, और बिना माध्यम के होता है, और माध्यम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब विकरण विधि से उष्मा आता है तो माध्यम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे आपको बता रहे थे हम लोग अभी कि आपका देखिए सूर्य क्या है, सूर्य का रोशनी जो है कहाँ आता है? अभी बता रहे थे कि जाड़ा जब आता है तो आप कहाँ बैठना पसंद करते हैं? कहाँ बैठना पसंद करते हैं? धूप में बैठना पसंद है ना, कहाँ बैठना पसंद करते हैं? आप बताइए यहाँ जो बताए कि 1000 किलोमीटर तक आपको क्या है वायुमंडल है ना, 1000 किलोमीटर तक क्या है? अब जब सूर्य का रोशनी आता है तो इसको प्रभावित अगर करता वायुमंडल को हवा को भी गर्म हो जाता ना, लेकिन देखिएगा बिना प्रभावित किए हुए नीचे तक आता है, तब ना आप जाते हैं जब सुबह में धूप में बैठते हैं तो हवा गर्म नहीं ठंडा तो होता है सुबह में, धूप में आप जब बैठते हैं सुबह तो ठंडा अनुभव होता है ना, सवेरे सवेरे सुबह में ज्यादा किसी में आपको ठंडा अनुभव होता है, ऐसे भी दिन में गर्मी के दिन में सवेरे सवेरे क्या हो ठंडा अनुभव होता है ना, जैसे जैसे आपको दिन चढ़ता है तब लगा तो गर्मी लगता है, सुबह में क्या लगता है ठंडा लगता है। तो इसमें का संचरण क्या होता है? किसी माध्यम के बिना जब उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है औसी अवस्था में क्या होता है?
आपको माध्यम को प्रभावित नहीं करता, बिना माध्यम को प्रभावित किए बिना ही आपको उष्मा पहुंच जाता है एक स्थान से दूसरे है ना। इसलिए कि हवा क्या उष्मा का चालक है ना, पानी क्या उष्मा का चालक है ना, हवा क्या उष्मा का चालक है, चालक क्या है, पानी क्या है। अब देखिए एक उष्मा का विकिरण के में उष्मा का उत्सर्जन होता है, उष्मा का उत्सर्जन होता है और उष्मा का अवशोषण होता है। उष्मा का उत्सर्जन और उष्मा का अवशोषण, उत्सर्जन और अवशोषण समझिए। उत्सर्जन मतलब हुआ था कि गर्म है ना, गर्म चीज है कि ठंडा होता है ना, धीरे धीरे किसी पानी को छोड़ दीजिए ठंडा होगा कि नहीं होगा। पानी को जब आप गर्म कर देते हैं, चाहे किसी रड को आप दिमाग के गर्म कर देते हैं आग, अब फिर उसको आप छोड़ दो तो गर्म के गर्म रहता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, धीरे धीरे ठंडा होगा। जब धीरे धीरे ठंडा होता है तो क्या होगा, उष्मा का उत्सर्जन होगा। क्या हुआ उत्सर्जन, उत्सर्जन क्या हुआ उत्सर्जन है ना, विसर्जन करते हैं ना मूर्ति को, हम लोग सरस्वती जी का विसर्जन करते हैं ना मूर्ति, तो क्या करते हैं आप जाके उसको नदी में प्रवाहित कर देते, विसर्जन है ना। तो उष्मा का भी विसर्जन होता है, मतलब त्यागता, विसर्जन मतलब क्या, त्याग, विसर्जन मतलब क्या, इसी
धुंधला कपड़ा पहनते हैं, हल्का रंग का कपड़ा पहनते हैं। देखिएगा जाएगा दुकान में कहेगा देखे खादी वाला धुंधला है, तो क्या करता है उषमा को ज्यादा पोषित नहीं करता, रंगीन कपड़ा आपको उषमा को क्या करता है पोषित करता है ना, उषमा को खींचता है। उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, देखिए जब देखिए देख रहा है ना इसमें दोनों में पानी है, इसमें भी पानी है ना, है पानी है इधर की आपको ये देखती उजला है ना, उजला देखती है उजला देखती है ना, अब ये देखती कैसा है। अब देखिए ये दोनों देखती का कोई हम ले जाके एक घंटा के लिए धूपा में छोड़ दो है ना, एक घंटा के लिए हम लोग कहा चलते इसको अपना स्कूल के मैदान में इसको छोड़ देते हैं। एक घंटा के बाद हम देखेंगे कि ई डेक्ची का पानी जल्दी गर्म होता है कि ई डेक्ची के पानी गर्म होता है, इसको देखें नंबर हम लोग कर देते हैं, इसको नंबर एक कर देते हैं, इसको नंबर एक कर देते हैं, इसको नंबर नंबर दो। अब आइए दो लड़का आइए आप, एक तो इसको उठाइए आइए, एक तो इसको उठाइए आइए, चलो अब हम लोग इसको लेके कहाँ चले, मैदान में। सभी आदमी चलिए इसको मैदान में एक घंटा के लिए रख देते हैं, अब फिर हम मध्यान्तर के बाद भोजन कर लेंगे, एक घंटा के बाद इसको लाएंगे और इसको इस थर्मामीटर से हम इसको तापकरण को नोट करेंगे कि कौन थर्मामीटर है, कौन प्रयोगशाला थर्मामीटर, इससे नापेंगे इससे नापेंगे इसका टेम्परेचर, कौन से नापेंगे इससे नापेंगे ना, ठीक है तो लेके चलिए हम लोग लेके चलिए लेके चलिए सर। चलिए यहाँ रख दीजिए, देखिए दोनों बर्तन को हम लोग रख दिए हैं, दोनों में बराबर पानी है ना, अब इसको एक घंटा के बाद हम लोग फिर ले जाएंगे, इसको चेक करेंगे कि इस बर्तन का पानी ज्यादा गर्म है कि इस बर्तन का पानी ज्यादा गर्म, क्या है ना, टाइम देख लीजिए कितना टाइम हुआ, अभी कितना टाइम हुआ देखे कितना टाइम हुआ, चलिए आपको 10 बजा है ना अभी, 11:20 बजेगा, इस पानी को कहाँ ले जाना है फिर हमको विज्ञान है ना, इसका टेम्परेचर को हम लोग नोट करेंगे, उजला बर्तन वाला पानी ज्यादा गर्म है, काला बर्तन वाला पानी गर्म है। चलिए थर्मामीटर है ना, अब दोनों का हम टेम्परेचर नोट करेंगे, लगभग एक घंटा हो गया ना, पहले उजला बर्तन के कर लेते हैं उसके बाद हम काला बर्तन के करेंगे। अब बताइए कि जब टेम्परेचर हम नोट करेंगे तो पानी के अंदर ही करेंगे कि पानी से बाहर निकालते हैं, है ना, डगडरी थर्मामीटर किया जाता है बाहर निकाल के, अब प्रयोगशाला थर्मामीटर पानी के अंदर। हाँ तो देखिए इसको पहले हम करते हैं, चलिए इसका पढ़िए तो कितना है, 35 35 है ना, यस सर, ठीक। अब हम काला वाला को करेंगे है ना, यस सर, काला वाला में दे दिए, यस सर। अब इसका नोट करिए, देखिए इसका सर 45 ठीक अब हो गया ना, yes, sir. इससे हुआ ना स्पष्ट कि yes, काला वाला बर्तन का पानी ज्यादा गर्म हुआ ना, yes, sir. और उसको कम हुआ, yes, अब इसको देखिए एक चीज करिए, इसको रख दीजिएगा ले जाके विज्ञान रूम, अब इसको देखिएगा कि पहले ठंडा कौन होता, yes, तो एकदम जरूरी है कि उजला बर्तन वाला पानी क्या होगा, जल्दी ठंडा होगा और ये देरी से ठंडा होगा, ले चलिए ले आए हैं ना इसको खाके,
अब इसको दोनों को छोड़ दे। अब फिर इस पर चेक करना है कि पानी जो गुब्बा में एक घंटा रखे काला वाला गर्म हुआ था ना, ये वाला कम कम गर्म था। आप देखना है ठंडा पहले कौन है ना, ठंडा पहले कौन होता है इसको देखेंगे। और एक गिलिया के अलावा आप घर में भी कर सकते, छोटे बर्तन में वो काला रंग से रंग दीजिए और वो उजला पेंट से दोनों में समान रूप में पानी में रखिए, एक घंटा धुआं में छोड़ दीजिए, एक घंटा घंटे के बाद देखिए कि कौन पानी अभी गर्म होता है। फिर उसको ठंडा में लगा रखिए, अब उसको देखिए कौन सा पानी जो है पहले ठंडा होता है कौन पानी देखिए, है ना। इससे हुआ कि आपको विकिरण के माध्यम से है ना कैसे उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक है ना। और उसके बाद हम लोग इसके बारे में भी जाने थे स्थलीय सर्मी और समुद्री सर्मी है ना, है ना, उसका भी पढ़ाए थे कि स्थल सर्मी क्या है और समुद्री सर्मी क्या है। उसका आप लोग को चार्ट पेपर है ना किताब से बना के लाना है, चिट स्थलीय समूह का फिगर दिए हुए है ना कि समुद्र से हवा इधर आ रहा है, एक दिखाया है कि धरती से हवा उधर जा रहा है, उसको आपको दोनों को चार्ट पेपर पर बना के लाना है ना। तो हम विज्ञान में लगाएगा स्थलीय सभी और समुद्री सभी का चार्ट पेपर पर अलग अलग पढ़ा रहे ठीक। तो आज जो है आपका क्लास क्रिया कला के साथ आपका